ओके सो हाय गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजिली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि गाइस जो मतलब कि आपको जो वीडियो में मैं मतलब जितने बैकग्राउंड पेजेस दूंगा उनका लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, बट गाइस मैं आप सभी से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि गाइस अगर आपको कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए हो किसी भी क्रिएटर का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में गाइस उस क्रिएटर का नाम बता देना गाइस, एंड या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम में उनकी पोस्ट के ऊपर आप मेरे को मेंशन कर देना, तो गाइस मैं आपको उस पोस्ट का जो है ट्यूटोरियल ला के दे दूंगा। तो गाइस आपको इतना ही करना है। बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो का लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जरा वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइज, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइज आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइज मॉडल को ऐड करने के बाद गाइज ये नहीं कि आपको मॉडल को ऐड करना है डन कर देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले यहाँ पे मॉडल को ऐड करना है, एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे अभी आपको डन नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्लस पे जो साइड में दिख रहा है गाइज आपको इस पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड फोटो में जाना है। एंड गाइज यहाँ से ऐड करना है आप सभी को एक ब्लैक कलर की पीएनजी, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो गाइज आपको इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको उसको मूव डाउन कर देना है, एंड इरेजर टूल में जाकर उसको इन्वर्ट करना है, ब्रश के साइज को बढ़ा देना है, एंड अपनी फोटो को जूम करना है। एंड गाइज अपनी फोटो के ऊपर ऐसे पेंट करना है आप सभी को, यानी गाइज एक शेडो क्रिएट करनी है आपको बैक साइड में, क्योंकि गाइज जैसे कि मतलब अगर आपका मॉडल किसी बैकग्राउंड पर खड़ा होगा तो यार उसका शेडो तो पीछे आएगा ही ना, तो ये रियलिस्टिक दिखाने के लिए आप लोगों को जो है ऐसे शेडो क्रिएट करनी है। एंड गाइज अगर आपको इसके अलावा किसी और तरीके से शेडो बनानी आती है तो गाइज आप वैसे ही बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है गाइज आप सेम मेरी तरह ही बनाओ, आपको आता है तो गाइज आप किसी अलग तरीके से ही बना सकते हो। तो गाइज जितना कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है, एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से ऐड करना आप सभी को ये विग्नेट का पीएनजी। तो गाइज कुछ स्टेप से ऐड कर लेना, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर डन कर देना है। फिर गाइज यहाँ पे आपका सारा काम खत्म होता है पिक्सार्ट का, तो अब यहाँ पे आपको अपनी फोटो यहाँ पे सेव करना है, एंड इसको लेकर चलना है लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में ले जाने के बाद गाइज आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गाइज इस लाइट वाला ऑप्शन में जाना है, आपको यहाँ पे गाइज थोड़ा सा इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको माइनस करना है, एंड जो गाइज यहाँ पे आपको हाईलाइट दिख रहा है आपको जो इसका हाईलाइट है इसको भी आपको यहाँ पे थोड़ा कम करना है, एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम करना है। फिर जो यहाँ पे व्हाइट है गाइज आपको थोड़ा इंक्रीज करना है, एंड जो ब्लैक है इसको भी थोड़ा इंक्रीज करना है, एंड जाना आपको कलर मिक्स में आपको यहाँ पे, एंड उसके बाद कलर्स में जाने के बाद आपको जो है सैचुरेशन वाइब्रेशन जो है इसको यहाँ पे प्लस करना है, एंड उसके बाद आपको टेम्परेचर जो इसको यहाँ पे कम करना है। फिर गाइज आपको जाना कलर मिक्स में, आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन जो हल्का सा माइनस करना है, एंड उसके बाद आपको येलो कलर में जाकर आपको इसका ह्यू माइनस करना है, एंड उसके बाद आपको फिर करना है आपको सैचुरेशन थोड़ा प्लस करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कलर लेना है, ठीक है, ग्रीन कलर लेने के बाद आपको उसको सैचुरेशन माइनस कर देना है, जो ब्लू कलर है इसका भी सैचुरेशन माइनस करना है, एंड जो डार्क ब्लू है आपको उसका सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डन करना है, जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की जो क्लियरिटी आपको उसको इंक्रीज़ करना है, एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट है वो डाल देना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का से डालना है। फिर नीचे आपको जो है यहाँ पे ग्रेन माउंट मिलेगा आपको उसको बढ़ाना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज़ करनी है, फोटो में जो नोड रिडक्शन है आपको उसको बढ़ाना है, एंड इसके नीचे मिलेगा कलर नोड रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो है आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कलर्स वाले ऑप्शन में जाकर आपको जो थ्री टोन्स है इसमें जाना है, फिर आपको शेडो में जाना है, एंड शेडो में जाने के बाद आपको गाइस ये टोन देना है, जैसे गाइस आपको ह्यूज को ले जाना है येलो कलर में, इसका सैचुरेशन आपको प्लस करना है। फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पे मिड टोन इसको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाना है सीधा हाईलाइट्स में, फिर आपको इसमें भी थोड़ा सा मतलब ऑरेंज कलर में रख के आपको यहाँ पे सैचुरेशन प्लस करना है यहाँ पे इतना, एंड ह्यू को जो है ऑरेंज टोन में रखना है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो गाइस आशा करता हूं यार आप सभी की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।